दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। ये BPSC 66वीं BPSC मॉक टेस्ट के अंतर्गत ये 11वां सेट है और ये निरंतर चलता रहेगा। और इससे पहले ऑलरेडी 10 सेट चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट पे मैंने अरेंज कर दिया है। आप सभी वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छा मजबूत बनाइए। अगर आप घर बैठे BPSC एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आने वाले सभी वीडियो को देखिए और उसका PDF को डाउनलोड कीजिए। और यहाँ पे जो आपको ये लिस्ट दिख रहा है, ये हमारे टॉप 5 रैंकर हैं और इन्होंने मॉक टेस्ट 10 में काफ़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इस सूची में अपना नाम को जगह दिया है। ये है सोनाली सिंह, अवध कुमार, गौरव यादव, प्रदीप सोनी, वेद प्रकाश, मुकेश कुमार, गौतम उपाध्याय, शक्ति कुमार, पल्लवी सिंह, तेज प्रताप और नंद कुमार। तो हर सेट की तरह यहाँ कुल मिला के प्रश्नों की संख्या होगी 50 और पासिंग मार्क्स रखा जाएगा इसका 35। तो आप कोशिश कीजिए कि 35 से अधिक प्रश्नों को आप सही सही सॉल्व कर पाएँ। तो अगर आप 35 से अधिक प्रश्नों को सही सही सॉल्व करते हैं तो आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि 35 से अधिक प्रश्न सही सही सॉल्व हो। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। आपको बता दें कि सभी प्रश्नों की जो प्रकृति होगी वो हुबहू एकदम से BPSC प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न पे होगी, जो 5 ऑप्शन के साथ पूछती है। तो यहाँ भी आपको उसी तरह को देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संघ क्या कहलाता है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संघ क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा मिशनरीज ऑफ चैरिटी। कुछ समय दूंगा मैं आपको ताकि आप अपना आंसर इसको सॉल्व कर सकें और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकें। इसका आंसर हो जाएगा मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संघ था। अगला प्रश्न है, पंचशील की विशेषता क्या है। तो दूसरे नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व, ये पंचशील की विशेषता है। पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में जो चीन के राष्ट्रपति थे चाउ एन लाई, उसके साथ मिलकर पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया था। और इसका विशेषता यह है कि देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। तो पंचशील से संबंधित तथ्यों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, बछेंद्री पाल किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ नाम है। आप सभी जानते होंगे इसका सही आंसर होगा बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, पर्वतारोहण से जुड़ा हुआ नाम है। बछेंद्री पाल पर्वतारोहण से जुड़ा हुआ नाम है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आप सभी ऑप्शन को पढ़िए। चलिए यहाँ पे मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला है, इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है, 35 वर्ष होती है न्यूनतम आयु। अगला है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ये भी सही है, इसका चुनाव राष्ट्रपति करता है। ये नहीं होगा, यही हमारा आंसर होगा। अगला भी देख लेते हैं, हमारा चौथा क्या है। अगर चौथा भी गलत निकलेगा तो उसके बाद तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो इसलिए सभी ऑप्शन को पढ़ना अनिवार्य है। जो पाँचवा ऑप्शन है आपको इसलिए दिया जाता है कि आप इधर पढ़ लिए, आपको लगा आंसर ये होगा, आप वहीं पे टिक कर दिए ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है ऑप्शन नंबर डी भी असत्य हो। तो BPSC एग्जाम में इस बात का आप ध्यान रखेंगे, सभी ऑप्शन को आपको पढ़ना है। चाहे आप कितना भी समय लें प्रश्न को सही करने के लिए, आपको सभी ऑप्शन को पढ़ना ही पड़ेगा हर हाल में। ये बात आप लिख लीजिए। आप सोचेंगे कि ऑप्शन नंबर ए को पढ़ के आंसर लिख देंगे तो ऐसा इम्पॉसिबल है। आपका 90 से 95% गारंटी है कि आपका प्रश्न गलत ही होगा। अगला प्रश्न, इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति एस राधा कृष्णन थे। तो ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, इसका चुनाव राष्ट्रपति करता है, ये असत्य है। तो चौथा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, आप BPSC एग्जाम देने जा रहे हैं तो पाँचवा ऑप्शन को आपको बारीकी से समझना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है, कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है। तो देखिए, कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा अगर स्वीकृत हो जाता है तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 दिन। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन विधेयक किसके द्वारा लाया जा सकता है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है,
भारतीय संविधान में संशोधन विधेयक किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा या तो लोकसभा या राज्यसभा द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या तो लोकसभा या राज्यसभा। इस तरह के प्रश्न को आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ 7वां नंबर प्रश्न है, अगर भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो तो उसे सौंपा जाता है सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब ध्यान देंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उस विवाद को सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के उच्च न्यायालय में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? वो कौन ऐसा उच्च न्यायालय है जो एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? गुवाहाटी, इलाहाबाद, पटना या फिर महाराष्ट्र? तो इनमें से दो भी हो सकता है। तो इसको सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखने के बाद इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुवाहाटी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है वो एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। सही आंसर होगा गुवाहाटी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो नारा से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को इनमें से कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो यहाँ भी सभी ऑप्शन को पढ़िए, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को इनमें से कौन सा अधिकार नहीं देता है? पहला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, दूसरा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, तीसरा है रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर का, और चौथा है आपातकाल लागू करने का। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा अधिकार नहीं देता है, तो आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। ये अधिकार राज्यपाल के पास है, और किसी भी राज्य में राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न जो है 11वां नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक क्या है? 11वें नंबर का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1951 भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक है। 1951 में पहली बार संशोधन विधेयक लाया गया था संविधान के लिए। तो ध्यान दीजिएगा आंसर होगा 1951। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बना था? ये प्रश्न एक बार पहले भी मैं अपने सेट में डाला था, तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए अगर आपने पुराने वीडियो को देखा है। सिक्किम भारत का जो राज्य बना था वो 36वें संशोधन के द्वारा बनाया था। 36वां संशोधन 1975 में हुआ था, और इसी संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। लेकिन उससे एक वर्ष पूर्व 1974 में जब 35वां संविधान संशोधन हुआ था तो सिक्किम को सह राज्य का उपाधि दिया गया था। तो और सिक्किम की राजधानी है गैंगटोक, और सिक्किम का जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो है प्रेम तमांग। और सिक्किम से रिलेटेड एक ऐसा भी फैक्ट है, एक ऐसा प्रश्न है जिसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है सिक्किम जहाँ पे सरकारी छुट्टी जो होती है कार्यालय में वो सप्ताह के 2 दिन होती है। आमतौर पर अधिकतर राज्य में, लगभग राज्य में सप्ताह के 1 दिन रविवार को छुट्टी होती है, लेकिन सिक्किम एक ऐसा राज्य है वहाँ पे सप्ताह में सरकारी कर्मचारी को 2 दिन छुट्टी होती है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने बताया था आपको, इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? यहाँ पे देखिए ये रेड नहीं हुआ, तो कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? इस प्रश्न का आंसर सभी को पता होगा, इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई बुक है जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में दिया गया है तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, बीपीएससी में अक्सर देखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे 15 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। ये प्रश्न था, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे।
और नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है अगर आपको बीपीएससी में सिलेक्शन पाना है तो। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो 17 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1929 में। ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और आपको मैंने बताया कि इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो इस प्रश्न से इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने निहत्थों पर गोलियां चलाई थी जालियांवाला बाग में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, हम देखते हैं 19वां प्रश्न है, वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन है? सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम को आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, और ये इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का अलग देश होने का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान का अलग देश होने का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। एक और प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? तो आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है, आंसर होगा चौधरी रहमत अली। इस तरह का नाम है चौधरी रहमत अली, तो इन्होंने ही पाकिस्तान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। हालांकि यहाँ पे प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा गया, पाकिस्तान का अलग देश होने का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 21 नंबर प्रश्न है यहाँ पर। माउस थोड़ा सा खराब हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे यूज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे। आज गिर गया था नीचे, तो इस वजह से माउस थोड़ा सा खराब हो गया, लगता है अब नहीं लेना पड़ेगा। तो अगला प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 21 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान। इसे सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, ये दोनों खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, इसका आंसर जो होगा होगा विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल से रिलेटेड एक प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो यही वो इंसान है विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्होंने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कह के संबोधित किया था, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सीन नदी किस नहर से होकर बहती है? ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो सीन नहर पेरिस से होकर बहती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न, गोभी मरुस्थल किस देश में है? आप सभी को पता होना चाहिए कि गोभी मरुस्थल चीन में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न, स्वेज नहर किसे जोड़ती है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जो आंसर हो जाएगा, सभी प्रश्न ऑप्शन को देखिए। तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः किस राज्य में बसी है? मुंडा जनजाति अधिकांशतः किस राज्य में बसी है? आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में ये अधिकतर निवास करती है। चलिए, मुंडा विद्रोह के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, चैनल पे है, आप जाइए, मेंस से रिलेटेड जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान क्या है? समुद्र तल पर पृथ्वी के निकट का जो, देखिए प्रश्न एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान क्या है? तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी ध्रुव। सबसे निकटवर्ती स्थान है उत्तरी ध्रुव। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी इनमें से किसे बनाए थे? टीपू सुल्तान अपनी राजधानी किसे बनाए थे? तो टीपू सुल्तान से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, हालांकि यहाँ पे अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया था, और टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली।
और चतुर्थ है आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी अंग्रेजों के साथ, जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और इसके पिता थे हैदर अली। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली किसके समय में फली फूली थी? तो ये काफ़ी इजी प्रश्न था, इसका आंसर होगा कुषाणों के समय में। देखिए इस वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स को सम्मिलित नहीं किया है, लेकिन अगले वीडियो से आपको करंट अफेयर्स भी 40 तक जो जीके के प्रश्न रहेंगे जो मिसलेनियस रहते हैं उस तरह के, उसके बाद जो 40 से 50 का जो प्रश्न होगा वो आपको करंट अफेयर्स का देखने को मिलेगा। तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें, वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर करें और लाइक कमेंट करके हमारे मोटिवेशन को प्लीज़ ज़रूर बढ़ाएं। आपका एक लाइक और कमेंट पढ़ के मुझे इतनी खुशी होती है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप अगर एक कमेंट कर देते हैं नाइस सर, तो मुझे बहुत खुशी होती है, आप यकीन मानिए बहुत खुशी होती है। तो अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? 30 नंबर का जो सही आंसर होगा वो वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन था चिपको आंदोलन, और इसके प्रणेता जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसका जो आंदोलन चलाया था ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था और ये वृक्षों को बचाने के लिए ये आंदोलन था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन के लेखक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन के लेखक हैं नीरथ सी चौधरी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद दूसरा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, ये है तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, अरविंद घोष इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त हुई थी? तो महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी 1877 में नियुक्त हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1877। नेक्स्ट प्रश्न, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम का जनक के रूप में एच जे भाभा को जाना जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एच जे भाभा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे 37 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान पर विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? 37 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वी साराभाई को, इसका पूरा नाम है विक्रम साराभाई। जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उसमें जो लैंडर था इसी के नाम पे था, विक्रम लैंडर, आपने नाम सुना होगा, तो विक्रम लैंडर इसी विक्रम साराभाई के नाम पे ही रखा गया था। तो अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय विक्रम साराभाई को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पुरस्कार से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये फलाना पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है उसे एक बार जितने भी हैं, मुश्किल से हमको लगता है 20 के अंडर ही होगा, तो 20 तक के ही पुरस्कार हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप एक बार नोट्स बना लीजिए उसका और अच्छे ढंग से उसको याद कर लीजिए। तो हालांकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कलिंग पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो 38 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। चलिए हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न पे, 39 नंबर प्रश्न है, एक वयस्क हाथी का भार कितना होता है? एक वयस्क हाथी का भार कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 1000 किलोग्राम, एक वयस्क हाथी का भार 1000 किलोग्राम के लगभग में होता है। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन क्यों प्रसिद्ध है? तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए
अगला प्रश्न है साइंस से संबंधित। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है? सभी ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद सही आंसर का चुनाव कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन है वन में है, ए में है, दूध को कम तापमान पर 24 घंटे रखा जाता है। दूध को पहले बहुत गर्म किया जाता है और एक निश्चित तापमान पर निश्चित समय में ठंडा कर लिया जाता है। तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया के अंतर्गत दूध को बहुत पहले गर्म किया जाता है और उसके बाद एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित समय में ठंडा कर लिया जाता है। तो पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया के अंतर्गत यही होता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है एम्फीबिया? ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद बताइए इसका आंसर क्या होगा, एम्फीबिया क्या बताता है? तो 42 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल और स्थल दोनों में रहने वाले पशु। जल और स्थल दोनों में रहने वाले पशु एम्फीबिया दर्शाता है, एम्फीबिया के अंतर्गत आता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? 43 नंबर प्रश्न है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ऑप्शन नंबर ई क्यों, ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट होगा, इसलिए क्योंकि लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई नहीं दिया रहता तो हमारा आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, लेकिन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दिया है तो आप श्योर रहिए कि अधिकतर चांस ये होता है कि बोर्ड इसका आंसर करेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग होता है सूर्य से पृथ्वी तक इसके प्रकाश को आने में। तो इस लिहाज से इसका जो आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए। तो इस अनुसार आप प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? 44 नंबर प्रश्न, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो ये लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, लोहे और क्रोमियम का ये मिश्र धातु है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। 45 नंबर प्रश्न, सभी को ध्यानपूर्वक पढ़िए उसके बाद बताइए कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पानी में चीनी का घोलना। पानी का चीनी में घोलना, देखिए पानी का चीनी में घोलना या फिर चीनी का पानी में घोलना, पानी में चीनी का घोलना, जी बिल्कुल भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घोलना। मुझे लगा लिखने में शायद मेरे से मिस्टेक हो गया, लेकिन ये ठीक लिखा गया है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घोलना। अगला प्रश्न है, तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप किसके ऊपर से गुजरती है? ये चार ऑप्शन में से देखिए, किसके ऊपर से भाप गुजरने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है? तो 46 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के ऊपर से अगर भाप गुजरती है तो कोई प्रक्रिया नहीं होती है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और एल्युमिनियम के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि इसे पुअर मेटल भी कहा जाता है, गरीब धातु के नाम से जाना जाता है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निकोलस कॉपरनिकस क्यों प्रसिद्ध है? निकोलस कॉपरनिकस क्यों प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। निकोलस कॉपरनिकस इसलिए प्रसिद्ध है यह बताने के लिए कि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के, तो निकोलस कॉपरनिकस इसलिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? और जंतर मंतर बता दें कि आपको ये दिल्ली में है और इसका निर्माण किया गया था महाराजा जय सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जंतर मंतर दिल्ली में है और इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं करना है, आंसर होगा सऊदी अरब। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, अप्रत्यक्ष कर भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के इस सेट में 11वें सेट में कुल 50 प्रश्न थे, अपने 50 में से कितने प्रश्नों को सही सही हल किया कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। और जो हमारा पेड ग्रुप है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो
तो पेड ग्रुप से ज्वाइन कीजिए और हमारे पेड मेंबर जितने भी हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा कीजिए और अपने रैंक को अधिक बनाइए, अच्छी बनाइए और वीडियो में ताकि आपका भी नाम आ सके। तो अभी तक अगर आप हमारे पेड ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए, यहाँ पर आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।